नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ मैं यदि कनिष्ठा की उंगली को देखता हूँ तो लगभग लगभग सूर्य के पहले पर्व के आसपास तक पहुँचने वाली उंगली है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि बुद्धि तो आपके पास औसत रूप से बिल्कुल ठीक है और बीच का जब गैप करा के उंगली इस तरह थोड़ा सा रहती है तो व्यक्ति के इरादे बुलंद होते हैं और वो बिल्कुल कठिनता के साथ में लगा रहता है अपने काम की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में। परंतु थोड़ा सा गैप भी यदि रह रहा है सूर्य के पर्व तक पहुँचने में उंगली में, तो ये व्यक्ति को संघर्ष कराता है। तो संघर्ष कराने की क्षमता आपके पास भी है और साथ ही साथ आपको करनी भी पड़ेगी। काफ़ी ये दर्शाने वाली आपकी उंगली है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, सूर्य की उंगली और इसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर कहें परिवार के साथ रहने वाले, परिवार के साथ चलने वाले, परिवार से सहयोग करने वाले और साथ ही साथ आत्मा से सुंदर व्यक्ति आप हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के बिल्कुल औसत रूप से आपकी ये सूर्य की उंगली है, जो आपको ज़्यादा नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों से जानकारी भर कराती है, यानी उस क्षेत्र के लोग अच्छी तरह लोग व्यक्ति व्यक्ति को जानते हैं। अब बात करूँगा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली का हमेशा अच्छा होना जरूरी होता है। इसका एक कारण होता है कि धन के लिए अगर शनि कुल मिलाकर अनुकूल है तो व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से नहीं जूझता। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो जो अंगुली का जो रूखापन है, जो उंगली का थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन है, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा शनि की ढैया 7.5 में जरा थोड़ा संघर्ष कराएगा आर्थिक रूप से। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये एकदम शनि की उंगली के साथ जुड़ी हुई है। व्यक्ति बहुत बेचैन है धन प्राप्त करने के लिए और काफ़ी कुछ मेहनत भी करता है, ईश्वर की पूजा भी करता है, छोटे बड़े लोगों का सम्मान भी करता है। तो अपने तरफ से आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये तो जो कर्म से भूतकाल में लिखा हुआ होता है उसको व्यक्ति भुगतता है। तो आप में यहाँ ईश्वर के प्रति आस्था भी, अच्छे बुरे की सोच भी सब आपके पास में है। आप अच्छे व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। यहाँ बुध पर्व और सम बुध पर्व है यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकता, कुछ हल्का दबा हुआ है, कुछ सम है। तो यानी कि संघर्ष बना हुआ है जीवन के अंदर धन प्राप्त करने का वर्तमान की स्थिति के अनुकूल। बात करूँगा आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्वत पर बनी हुई रेखाएं यहाँ पर कहीं से कहीं तक इस प्रकार नहीं है कि आपको कोई राज्य सरकार से संबंधित कोई सहयोग मिलेगा, कोई यहाँ पर किसी प्रकार की नौकरी मिलेगी, इस तरह के इंडिकेशंस यहाँ पर कहीं हैं नहीं हैं। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ के लोग भर आपको सम्मान करते हैं। बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व हमेशा धन के लिए माना जाता है। वर्तमान की स्थिति में ये रेखाएँ सिर्फ और सिर्फ देख रही हैं ईश्वर आस्था की तरफ, यानी कि धन के पर्व की तरफ नहीं देख रही हैं। तो यहाँ से तो बिल्कुल भी अगर देखें तो बस आपका सही टाइम कट रहा है। कुल मिलाकर के कोई ऐसा योग दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने जीवन में इस समय धन की स्थिति ठीक है। धन की स्थिति बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी स्थिति। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर एक और पर्वत की, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्व पर यदि अच्छी खड़ी हुई रेखाएं ना हों तो व्यक्ति को मकान बनाने में दिक्कत, ऐसा लगता है जैसे मकान पैतृक संपत्ति बन जाए तो बन जाए, वरना वर्तमान की स्थिति के हिसाब से बहुत संघर्ष कराएगी आपको एक मकान बनाने भर में। यहाँ बृहस्पति की जो स्थिति है वो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ ज़्यादा सुख साधन की रेखा यहाँ पर नहीं है। आइए बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कई प्रकार से बलवती होकर के जुड़ती हुई यहाँ पर, और यदि इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के साथ होती हैं तो पत्नी के साथ में अच्छे तालमेल की संकेत ये नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ से कुछ रेखाएं निकल करके बृहस्पति पर को भी रह रही हैं, तो पत्नी के साथ में तालमेल नहीं। और कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो स्वास्थ्य भी उतना उत्तम नहीं रहता। स्वास्थ्य के अंदर बस ऐसा समझिए पेट खराब और चिड़चिड़ापन। तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाले अभी संकेत हृदय रेखा में कोई बड़ा रोग भी नहीं है। बात करेंगे मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत होता है साहस का पर्व।
साहस के पर्व पर बनी हुई रेखाएं यदि व्यक्ति के पास में बनी हुई हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा को दर्शाती हैं। यानी मैं कुल मिलाकर कहूँ तो आप में ऊर्जा की तो किसी प्रकार से कमी नहीं है, आप पूरी प्रकार से अपने कार्य के प्रति लगे रहते हैं, तो ऊर्जा के मानक यहाँ पर ठीक निकले। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर मैं बुद्धि रेखा की, मस्तिष्क रेखा और कुछ अलग हट करके चली है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा कुछ अलग हट कर चलती है तो व्यक्ति अपने परिवार से हट कर के कुछ अलग करता है, साथ ही साथ बहुत ही मेधावीपन की, यानी यहाँ ये इस प्रकार से तो रेखा बिल्कुल ठीक है, यानी बुद्धि के डिसीजन के हिसाब से कहूँ तो बिल्कुल सही रेखा है, आपकी निर्णय क्षमता सही है। परंतु भाग्य कर्म की रेखाओं को बाद में पढ़ूंगा, वो बताएंगी कि कैसे आपका भाग्य रहने वाला है। तो आपके पास बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, परिवार से कुछ अलग हट करके सोच है, विरादे बुलंद हैं, कुछ अलग करना चाहता हूँ, इस प्रकार की ये बुद्धि रेखा यहाँ पर विराजमान है। बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। द्वितीय मंगल पर किसी प्रकार के मुकदमे के चिन्ह नहीं है और यहाँ पर ये रेखाएँ जो हैं अगर मैं देखता हूँ तो इनका भाग्य रेखा से संबंध है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ दूर स्थानों से थोड़ी भागदौड़ भर कह सकता हूँ, विदेश से जुड़ने का संकेत तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ भागदौड़ आपके जीवन के अंदर आप भागदौड़ करते रहते हैं, बस इतना भर, कुछ तीर्थ यात्राएँ भी कर आते हैं इतना भर। तो चलिए ये सब आपकी रेखाओं के बारे में बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपकी जो है एक यहाँ पर रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं, यहाँ हम बोलेंगे आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा काले तिल से निकल करके चली और यहाँ जाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये 35 तक जीवन के 35 वर्ष से पहले यहाँ काट रही है, एक और यहाँ काट रही है, यानी कि 33 वर्ष में, 27 वर्ष में, 27 के बाद में लगभग 31-32 वर्ष में संघर्ष, कुछ नुकसान सामना, फिर ये 35 में कुछ परिवर्तन, ज़रा इन रेखा को मिटाइए, और 35 के बाद में फिर देखता हूँ तो आपके यहाँ लगभग 37 से 38वें वर्ष में भी कुछ परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष है आपकी भाग्य रेखाओं में, यानी कि यदि ऊर्जित भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ एक तरीके से बिल्कुल साफ है, यानी कि एकदम ऊर्जित भाग्य रेखाएं कहीं भी नहीं हैं, और जब ऊर्जित भाग्य रेखा नहीं होती तो आदमी का भाग्य ही क्या होगा। तो आर्थिक स्थिति वर्तमान में भी तंगी है, पिछली स्थिति भी कुछ ज़्यादा अनुकूल नहीं रही है, तो कुल मिलाकर के काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में यहाँ बना हुआ है पिछले 4-5 सालों से। तो चलिए ये आपकी स्थिति कैसे अनुकूल होगी, यहाँ एक रेखा जो ये बनी है जाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि लगभग अगर 39 वर्ष के बाद देखता हूँ तो आपकी स्थिति यहाँ अनुकूल होगी। तो आर्थिक स्थिति कब रहेगी ठीक, 39 वर्ष के बाद से आपकी स्थिति में कुछ अनुकूलता आएगी और वहाँ पर आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ मेरे जीवन के अंदर कुछ शांति है। तो अनुकूलता आने वाली है आपकी 39वें वर्ष के बाद। तो चलिए यहाँ मैंने बताया, अब मैं बताता हूँ भाग्य रेखा के बाद में आपके पास में, यहाँ पिछले समय में ये रेखाएं हैं जो बीच बीच में रेखाएं उठती रही, ये आर्थिक स्थिति को लगभग सुधारने वाली रेखाएं इनको बोलते हैं, ये आपके उम्र के बीच बीच में पड़ाव जो है ये बहुत अच्छे पड़ाव माने जाते हैं। जब इस तरह के बीच में पड़ाव बन जाते हैं तो व्यक्ति को लगभग हर 4-5 साल ऐसा लगता है कि हाँ मेरी जीवन में स्थिति अब ठीक आ गई। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से कह सकते हैं व्यापारिक रेखा भी आपके दिमाग के पास में यहाँ पे ठीक ठाक रेखा है, जो थोड़ा सा दूर स्थानों से जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा आगमन धन दिलाएगी। तो चलिए ये आपका हो गया, अब मैं बताने वाला हूँ तो चलिए ये आपके आयु रेखा से और भाग्य रेखा से यहाँ से काला तिल का क्या फल है ये मैं आपको अब आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ ले लेता हूँ। आपने कहा मैं व्यापार कौन सा करूँ जिसमें मेरा भविष्य ठीक प्रकार से हो सके। देखिए मैंने जब यहाँ पर आपके पूरे हाथ का अनुकरण किया, थोड़ा नीचे करिए, तो मैंने ये देखा कि आपका जो व्यापार का
ये जो मंगल पर से निकलने वाली रेखाएं हैं, यहाँ जो मंगल वर्ष पर से जब रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति टेक्निकल माध्यमों के द्वारा कुछ ज़्यादा अर्जन प्राप्त करता है। यानी मैं कहूँ तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ टेक्निकल जो कार्य हैं उनसे आप जुड़ें, उनसे आपको लाभ के यहाँ ज़्यादा संकेत हैं। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल कार्य है, साथ ही साथ यहाँ चंद्र पर्वत भी कुछ अनुकूल था, तो उसमें आप डीजल के काम, तेल के काम, दूध के काम, पेट्रोल के काम, मिट्टी के तेल के काम, सरसों के तेल के काम, तो ये इस तरीके के कामों से जुड़ करके भी आपको लाभ मिलेंगे और टेक्निकल कार्यों से। तो दो आपके कार्य बनते हैं, उनसे करेंगे तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा ऊपर से निकल करके आई और यहाँ पर जाकर के इसमें बीच में जाकर काले तिल हुआ। आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जब भी भाग्य रेखा काले तिल से शुरू हो, आपकी भाग्य रेखा का उदय काले तिल से हुआ है, तो ये जीवन में संघर्ष बनाती है, एक बात। दूसरी बात, जिसका समापन आयु रेखा का जब काले तिल पर हो, तो ये जो जीवन का जिस उम्र पर ये काला तिल बना हुआ है, तो यहाँ किसी बड़े रोग की सूचक है। ये लगभग होगा जाकर के 68 साल की आयु के बाद, तो वहाँ बड़े रोग पे बड़ा खर्च होने की संभावना। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर है। आयु रेखा वर्तमान में 72-74 साल है, तो कुल मिलाकर के आगे भी आयु रेखा बढ़ जाती है, तो कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेता हूँ आपकी संजीवनी रेखा की। ये आपके हाथ के अंदर बनी हुई संजीवनी रेखा ऊपर, जो आपको काफ़ी मुसीबतों से बाहर निकाल लाती है। ये संजीवनी रेखा है जो जीवन में आपको साथ देगी आपका लगभग 45 वर्ष तक। और इसके बाद शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत उतावलापन है आपके अंदर इस समय, कि आप किसी भी प्रकार से जो है कैसे भी करके आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें, इसके लिए सुख सुविधाओं के लिए आप बहुत आतुर हैं। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, वरना आपको जो है अच्छा संकेत नहीं है ये ज़्यादा आपक होना। एक बात और बता दूं आपको, शुक्र पर्व जब इतना उठा हुआ हो और इस तरीके से ये शुक्र पर्व से निकल कर के देखा और ब्लैक तिल के साथ ही संबंध बनाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का और भी संकेत होता है, और वो संकेत होता है थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी। तो ज़रा उस प्रकार पर भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊँ वह आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपको धन प्राप्त हो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको रोजाना अपनी पूजा के अंदर रोजाना एक माला का जाप करना है, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः की माला का 3 माला का आप जाप करें, और रोजाना श्री सुक्तम का आप पाठ करें, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से आपके रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।